हेलो एवरीवन यू आर वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंपलीफाइड बाय ओसीडीसी दिस इज़ विनोद कुमार गर्क और इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं सिलिया के बारे में तो सिलिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल बायोलॉजी का ठीक है तो मेरे सभी वीडियोस स्कूल एग्ज़ाम एंड कंपटीशन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं तो आप अपने कस्टोमाइज नोट्स इस वीडियो को देख बना सकते हैं एज़ पर यूर नीड्स अगर आप कंपिटिटिव एग्जाम वाले हो तो आप पूरे वीडियो के नोट्स बनाए ओके तो सीलिया एंड फ्लेजेला क्या होते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला आर फाइन विप लाइक स्ट्रक्चर्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द बॉडी ऑफ वराइटी ऑफ सेल्स तो आप इमेज में देख पा रहे हैं कि विप लाइक का मीनिंग क्या होता है बेसिकली विप कहते हैं हंटर को ठीक है तो उसके तीन पार्ट होते हैं तो सिमिलरली सिलिया फ्लेजेला के भी तीन पार्ट होते हैं ठीक है तो आप देखेंगे आगे स्ट्रक्चर्स में तो व्हाइल दे वेरी इन द टर्म ऑफ लेंथ एंड नंबर दोनों की लेंथ और दोनों के नंबर में डिफरेंसेस होती हैं ठीक है इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में सो इवन देन सीलिया एंड फ्लैजेला आर जनरली आइडेंटिकल मतलब बहुत सारी उसमें सिमिलैरिटीज हैं स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन में क्लियर तो सीलिया के बारे में हम डिटेल में बात कर रहे हैं इस वीडियो में फ्लैजला की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो विद एक्सेप्शन ऑफ मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई इनको छोड़कर सीलिया कैन बी फाउंड ऑन सरफेस ऑफ मैनी यू कैरियोटिक सेल्स ओके ऑन दीज सेल्स सीलिया एक्सटेंड फ्रॉम द बेसल बॉडी मतलब जो इसका सबसे नीचे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेसल बॉडी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल्स सीलिया हैव सैबरल फंक्शंस एंड आर देयर फोर डिवाइडेड इंटू टू मेन कैटेगरीज ठीक है दो इसकी मेन कैटेगरी हैं वो आगे हम बताऊँगा मैं आपको प्रोकरियोट्स डोंट हैव सिलिया प्रोकरियोट्स में सीलिया नहीं होते मतलब बैक्टीरिया में सीलिया नहीं होते सीलिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो सीलिया आर माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ मैनी यू कैरियोटिक सेल ठीक है सरफेस से प्रोजेक्ट करते बाहर की तरफ लाइक अदर ऑफ़ यूरियोटिक सेल्स सीलिया आर मेम्ब्रेन बाउंड मतलब सीलिया के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है ओके विद देयर मैमब्रेन बीइंग कंटिन्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जो सीलिया की खुद की मैमब्रेन है वो प्लाज्मा मैमबरेन ऑफ सेल के साथ कंटिन्यू होती है मतलब दोनों इंटरकोनेक्टेड हैं ओके तो आगे हम बात करेंगे कि हाउ एवर अनलाइ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स सीलिया सीलियरी मेम्ब्रेन हैज़ बीन शोन टू कंटेन डिस्टिंक्ट लिपिड मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है उसके कंपेरेटिवली जो सीलिया की मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड एंड प्रोटीन्स डिफरेंट होती हैं क्लियर तो जो मैंने दो कैटेगरी बताई उसकी पहली कैटेगरी है मोटाइल सीलिया जो मूव करते हैं उसको मोटाइल बोलते हैं इसको आइडेंटिफाई किया था 1640 में किसने किया वैन ल्यून हॉक ने मेकिंग द अर्लीस्ट नॉन सेल ऑर्गेनली मोटाइल सिलिया नाइन प्लस टू इसका अरेंजमेंट होता है इसको नाइन प्लस टू बोलते हैं आगे आप जानेंगे कि क्या होता है नाइन प्लस टू कैन बी फाउंड इन बोथ हायर एनिमल्स एंड सिंगल सेल्ड यू कैरियॉर्ड्स इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स मोटाइल्सिया आर यूज फॉर लोको मोशन एंड फीडिंग प्रोसेस फीडिंग मतलब खाने के लिए ठीक है खाने को कैप्चर करने के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर नाइन प्लस टू का मीनिंग क्या है तो आप डबलेट रिंग इसमें देख रहे हैं ब्लैक कलर में ठीक है दो दो के जो ग्रुप में हैं डबलेट बोलते हैं उसको ग्रुप को तो वो नाइन है ठीक है और सेंटर में दो हैं सिंगल सिंगल माइक्रोटोब्यूल तो इसलिए उसको बोलते हैं नाइन प्लस टू और डबलेट से जो बाहर की तरफ अंदर की तरफ एक लाइन दिखाई दे रही है जो सेंटर की तरफ जा रही है उसको बोलते हैं रेडियल स्पोक ठीक है और जो ऑरेंज कलर में स्ट्रक्चर है दैट इज सेंट्रल शीत सो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज नाइन प्लस टू अरेजमेंट ऑफ माइक्रोटोब्यूल्स इन सीलिया इन हायर एनिमल्स सच एज ह्यूमन बींग्स मोटाइल सिलिया कैन बी फाउंड इन नंबर ऑफ टिश्यू मोटाइल सिलिया ह्यूमन में भी पाए जाते हैं इसमें पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट्स में ठीक है रेस्पिरेटरी एपिथीलियम एपिथीलियम टिश्यू का टाइप होता है एंड फेलोपियन ट्यूब में जो कि फीमेल में होती है फेलोपियन ट्यूब ओके रिप्रोडक्शन का पार्ट है वेयर दे आर ईदर इन्वॉल्व इन क्लियरेंस ऑफ और मूविंग ऑफ सब्सटांसेस किसी सब्स्टांस को बॉडी में से क्लियर करने के लिए ज उसको मूव करने के लिए सीलिया की ज़रूरत पड़ती है राइट right? इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम सीलिया ट्रैप एंड रिमूव डर्ट एज वेल एज म्यूकस ठीक है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर म्यूकस होता है जिसको हम स्पूटम या बलगम भी उसको बोलते हैं फ्रॉम द लंग्स एंड अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम ठीक है उसको बाहर निकालने के लिए सीलिया का यूज़ होता है इन द फेलोपियन ट्यूब जैसे मैंने अभी बताया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ये ऑन दी अदर हैंड सीलिया सर्व टू मूव द फीमेल के अंदर जो ओवम होता है गैमीट होता है जिसको एग बोलते हैं उसको मूव करने के लिए टूवर्ड्स द यूट्रस सिलिया का यूज़ होता है ठीक है तो हमारे में भी सिलिया एक सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहा है ऑन द सेल सरफेस मोटाइल सिलिया आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स दे बीट इन कोडिनेटेड वेब ले लाइक मैनर टू परफॉर्म देअर फंक्शन इफेक्टिवली अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि दो तरीके से इसकी मूवमेंट होती है या तो सारे सिलिया एक ही टाइम पे मूव करेंगे या फिर वन आफ्टर अनादर करेंगे एक दूसरे के पीछे ठीक है अगर सारे एक ही टाइम पे करें उसको बोलते हैं सिन और दूसरे को बोलते हैं मेटाक्रोनस विद रिगार्ड टू स्ट्रक्चर मोटाइल सिलिया आर करैक्टराइज बाई रेडियल पैटर्न कंसिस्ट ऑफ नाइन आउटर माइक्रो टब्यूल डबलेट जैसे अभी पीछे आप देख चुके हो दैट सराउंड टू सिंगल माइक्रोट्यूल्स ठीक है नाइन प्लस टू पैटर्न रेफर टू नाइन डबलेट माइक्रोट्यूल एंड टू माइक्रोट्यूल दैट आर सेंट्रली लोकेटेड द रिंग ऑफ माइक्रोट्यूल्स के फोल्डिंग इन दिस केस इज कॉल्ड एग्जोनिम तो जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं कि एक्जोनिम कैसे दिखता है एग्जोनिम क्या है एक बंडल ऑफ माइक्रोट्यूल्स है ठीक है जिसका डायमीटर जीरो पॉइंट टू फाइव माइक्रोमीटर है एंड सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड होल स्ट्रक्चर कैन बी आइडेंटिफाइड अंडर द माइक्रोस्कोप हम इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के नीचे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लियर तो एट इट्स बेस वेयर इट अटैच टू सेल द एक्जोनिम इज अटैच टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नोन एज बेसल बॉडीज मतलब एग्जोनिम का जो कनेक्शन है नीचे से वो कनेक्शन है किसके साथ बेसल बॉडीज़ के साथ बेसल बॉडीज जो होती हैं वो 0.4 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.2 माइक्रोमीटर इन विड्थ होती हैं अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ बेसल बॉडीज़ आर ईदर द प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रियोल मतलब इसको कौन बनाता है सेंट्रियोल बनाते हैं और आर जनरेटेड इन लार्ज नंबर बिफोर सिलिया फॉर्मेशन मतलब सिलिया की फॉर्मेशन से पहले ये बन जाती हैं व्हेन द सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज बीन रिमूव्ड द एडिशन ऑफ एटीपी अलोंग द एक्सोनम कंटिन्यू टू फंक्शन मतलब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें एक्सोनम को एटीपी की सप्लाई कर दें तो भी एक्सोनम अपना काम करती है ठीक है विच इज़ द एविडेंस डेट वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रक्चर जो सीलिया का मैकेनिज्म है काम करने का तरीका है इसका मतलब वो किसके अंदर लोकेटेड है वो है एग्जो नीम के अंदर क्योंकि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव करके एटीपी की सप्लाई की तो भी इसने फंक्शन किया फिर बात करते हैं बीटिंग एस इज द केस विद मसल कॉन्ट्रेक्शन जैसे ह्यूमन में जो किसी भी ऑर्गेनिज्म uh, में मसल्स का जो फंक्शन होता है मैकेनिज्म होता है वो कैसे काम करती हैं उसी तरीके से ये जो सिलिया की बीटिंग है वो भी इस तरीके से ही करती है ठीक है रिजल्ट ऑफ स्लाइडिंग प्रोटीन फिलामेंट इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू स्विचिंग मॉडल जो इसका वर्किंग मैकेनिज्म है उसको मॉडल को बोलते हैं स्विचिंग मॉडल ईच साइड ऑफ कर्ब सिलिया कंसिस्ट ऑफ अ डाइनिन डाइन हैं इन द गिवन स्टेट ऑफ फोर्स जनरेशन साइकिल ये एक फोर्स को जनरेट करती हैं विच कंट्रीब्यूट टू आसमीट्री एंड चेंज विद द अल्ट्रेशन इन कर्वेचर तो कर्वे, कर्वेचर जो है इसका कर्व को बोलते हैं हम कर्वेचर के कितना कर्व उसकी है डायमीटर में ठीक है तो उस कर्वेचर में चेंजेस आती हैं बार बार उसको बोला हमने अल्ट्रेशन राइट तो इससे एक साइकिल जनरेट होता है जिसके साथ मूवमेंट होती है नेक्स्ट है प्राइमरी सिलिया जो कि मूव नहीं करते तब इसको बोलते हैं नॉन मोटाइल सिलिया एज कंपेयर टू मोटाइल सिलिया प्राइमरी सिलिया नाइन प्लस जीरो प्रोजेक्ट एज सिंगल स्ट्रक्चर फ्रॉम सेल बॉडीज ठीक है जैसे हमने पहले बात की उसमें क्या था कि उसमें नाइन प्लस टू था इसमें नाइन प्लस जीरो अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूल्स का ओके दे आर फाउंड इन वर्चुअली ऑल सेल्स इन ऑल मैमल्स सो हिट द डिफ्रेंस बिटवीन मोटाइल सिलिया आप देख पा रहे हैं मोटाइल सिलिया के अंदर नाइन प्लस टू अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूल्स का जबकि प्राइमरी सीलिया के अंदर नाइन प्लस जीरो है उसमें सेंट्रल माइक्रोट्यूल्स नहीं है ठीक है साथ में सभी जो डब्लट रिंग्स हैं उसके बीच में भी जो ब्रिज है वो नहीं है कनेक्शन नहीं है तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं इसे इसके अंदर सो नेक्स्ट है दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन सेंसरी फंक्शन जो प्राइमरी सिलिया है जो नॉन मोटाइल है उसका मेजर काम है सेंसरी फंक्शन एंड दस अलो गिवन बॉडी टिश्यू ऑर्गन टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली ठीक है मतलब किसी भी बाहरी सिग्नल को स्टेमुलस को रिस्पॉन्स करने में ये अपना रोल प्ले करते हैं प्राइमरी सिलिया प्राइमरी सिलिया कंसिस्ट ऑफ नाइन डबलेट माइक्रोट्यूल दैट मेकअप एग्जोनिम हाउ एवर डोंट प्रोजेस डायनिन आर्म इसमें डायनिन प्रोटीन्स नहीं होती इसलिए वो मोटाइल भी नहीं होते इनिशियली प्राइमरी सिलिया वर थॉट टू बी वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसा माना गया था कि प्राइमरी सिलिया का कोई फंक्शन नहीं है ठीक है तो उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन जिसका कोई काम नहीं होता सो थैंक्स फॉर वॉचिंग